गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज माई टॉपिक इज क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 3। टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल एक्सरसाइजेज कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अ वाइज लेसन। प्यारे बच्चों, मैं इसकी कहानी आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। कहानी बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगी। आप कहानी को पढ़िएगा, स्टोरी को। आई होप आप सब इस स्टोरी को पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसका एक्सरसाइज आपको आज करा दे रहे हैं। ओके, तो बच्चों देखिए लेसन है पूरा। आप इसको अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। और देखिए सेकंड पेज दिस इज एंड मीनिंग आप लर्न कर लेंगे। मीनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम आपको कराने जा रहे हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों आज मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर आप कहेंगे तो स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा आफ्टर दैट, बट टुडे देखिए A1 का चूज द करेक्ट आंसर। मैंने आंसर करेक्ट कर लिया बेटा, आपको टिक लगाना है। आप 1 का सी लगा लेंगे आप। और सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, सेकंड का बी क्वेश्चन इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। और थर्ड देख लेते हैं, थर्ड का है A करेक्ट। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन का देखो बेटा, फोर्थ का बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड। A2 देखिए, इसको आपको कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट करके राइट कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप वहाँ से फिल कर लेना। सी माय डियर स्टूडेंट, A2 आप बुक से देखिए। A2 का फर्स्ट नंबर, डर्विश बिगेंस मेकिंग प्लान ऑफ सेलिंग हिज मनी इन मार्केट एंड देयर बाय गेटिंग रिच बाय यूजिंग द मनी ही वुड मेक। इतना फर्स्ट में है। एंड सेकंड देखिए, डर्विश ब्रोक हिज जार बिकॉज वाइल्स ही वाज डे ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग रिच ही रेज हिज स्टिक्स सो हाई दैट ही ब्रोक हिज जार ऑफ मनी विच ही वाज गोइंग टू यूज टू गेट रिच। अंडरस्टूड? थर्ड देख लो बेटा, थर्ड का भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है आपके लिए। थर्ड, द प्लान ऑफ द डर्विश एंड द हस्बैंड वेर सिमिलर बिकॉज बोथ वेर प्लानिंग फॉर थिंग्स फॉर द फ्यूचर विदाउट नोइंग वाट वुड एग्जैक्टली हैपन। अंडरस्टूड? फोर्थ नंबर भी यहीं से आप फिल कर लें। फोर्थ नंबर देखिए, यहाँ से फोर्थ नंबर, तो ऐसे आप फोर्थ नंबर भी नोट कर लें देख करके। एंड हेयर इज फिफ्थ नंबर। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है सिस्टम तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, क्लासमेट में, और हाँ सब्सक्राइब कर लें चैनल को ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, इसको हमने कर लिया, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। यस, हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं बच्चों। B1 का देख लेते हैं। बेलो इज अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल, मैच देम विद दैट व्हाट दे डू। देखिए कुछ लिस्ट दिए गए हैं प्रोफेशनल का, उनको मैच करना है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट क्या होता है? इसको आप ले जाएंगे यहाँ पर, समवन हु स्पेशलाइज इन मेकिंग अम्यूजिंग ड्राइंग। अंडरस्टूड? एंड इसको देखिए, फिश मॉन्गर का आएगा आपका यहाँ, समवन हु सेल फिश फूड, जो फिश बेचते हैं उनको कहते हैं फिश मॉन्गर। एंड इसको देखो बेटा, गेम कीपर होता है यहाँ पर, समवन हु लुक्स आफ्टर एन एरिया टू एंश्योर दैट देयर आर एनफ एनिमल्स फॉर हंटिंग। अब क्रिप्टोग्राफर क्या होता है? क्रिप्टोग्राफर समवन हु स्टडी एंड ब्रिक सेक्रेट कोड। ओके, एंड न्यूमिनिस्टिक इसका जाएगा आपका यहाँ पर, समवन हु स्टडी ओल्ड क्वाइन एंड इवन प्रेजेंट करेंसी। इसकी मीनिंग आपको समझ में आ रही है?
जो क्वाइन बेचते हैं, क्वाइन करेक्ट करते हैं, सिक्का कलेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं न्यूमिस्ट मैजिस्ट। एंड लास्ट का है रैंगलर। रैंगलर इज अ समवन हु हैंडल एनिमल्स प्रोफेशनली, स्पेशली हॉर्सेस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप लर्न भी कर लेंगे। यस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग लेटर बाय रीडिंग द डेफिनेशंस। यहां पर देखिए बेटा, डेफिनेशन दिया है सम हु पेंट्स, जो पेंट करता है उसको क्या कहते हैं, आर्टिस्ट। ARTIST हमने फिल किया है, ARTIST। यहां पर मैं बता दूं, समवन हु बेक केक एंड पेस्ट्रीज, क्या कहते हैं उसको, बेकर, BAKER, बेकर। जो पेस्ट्री बनाता है, केक बनाता है, उसको बेकर कहते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ देख लो पहले, समवन हु मेक्स मूवीज, जो मूवी बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, PRODUCER। फोर्थ नंबर यहाँ देखो, डॉक्टर हु ट्रीट हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज को जो ट्रीट करते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। फिफ्थ नंबर देखो, समवंस हु ग्रोज क्रॉप, जो क्रॉप्स उगाते हैं उनको क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, फार्मर कहते हैं, FARMER, फार्मर कहते हैं, है ना। एंड सिक्स नंबर देखते हैं, यहाँ पर देख ले पहले, समवन हु प्लेज म्यूजिक, जो म्यूजिक बताता है, बजाता है, उसको क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन यहाँ पर फिर कर लें आप लोग। एंड सेवन नंबर आते हैं, समवन हु अनाउंस एंड प्ले म्यूजिक ऑन रेडियो, जो रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हैं, न्यूज़ रीडिंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, रेडियो जैकी कहते हैं। तो रेडियो जैकी आप यहाँ पर फिल कर लो, रेडियो जैकी, RADIOJOCKEY। एट नंबर देखते हैं, एट नंबर में क्या है, समवन हु हेड द स्कूल, जो स्कूल का हेड होता है, इट मीन्स प्रिंसिपल, PRINCIPAL। बहुत आसान है। नाइन नंबर देखते हैं, समवन हु सेल्स, जो सेल मीन्स नाव चलाते हैं वाटर में, उनको कहते हैं सेलर, SAILOR। टेन नंबर देखते हैं लास्ट, एंड समवन हु लुक आफ्टर द मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी संस्था में पैसे की देखभाल करते हैं, उनको कहते हैं ट्रेजरर, ट्रेजरर, TREASURER, तो उनको ट्रेजर कहते हैं। इतना आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बेटा। ग्रामर पोर्शन में आपको फ्यूचर टेंस पढ़ना है, यहाँ पर विल एंड शैल का यूज देखना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे अपनी बुक में। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये आपका काम है, आप पढ़ेंगे अच्छे से घर पे बैठ के, बी गोइंग टू यूज, दीज आर यूजेज, विल एंड शैल यूजेज फ्यूचर टेंस का है, एंड टिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑप्शन। देखिए इसको ऑप्शन में करेक्ट करना, मैं इसको करवा दे रहा हूँ आपको। और इधर देख लेते हैं क्या है, वही चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेस दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको चूज करना है क्या फिल करें। आप इसको जब विल सेल का यूज पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कर लेंगे। और हाँ, होमवर्क मैं अभी आपको दे रहा हूँ, एक होमवर्क यहाँ पर C2, यह होमवर्क रहेगा, यूज बी गोइंग आर विल विद द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, कंप्लीट द सेंटेंसेस, इसको आपको करने पड़ेंगे। मैं देखिए मैं एक बता दे रहा हूँ, विनय इज गोइंग टू 9 नेक्स्ट वीक, कहने का मतलब विनय, देखिए गोइंग टू का यूज करना है, विल का यूज करना है, सेल का यूज करना है ना। अब विनय इज गोइंग टू हमने फिल किया है, इज गोइंग टू इन नाइन नेक्स्ट वीक, कहने का मतलब अब वो अगले सप्ताह 9th में जाने वाला है ना। सेकंड में बता दो, वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू टेलीविज़न, मैं एक नया टेलीविज़न लेने जा रहा हूँ, ठीक है।
इस प्रकार से आप यहाँ फिल कर लेंगे नाइन थर्ड में, आई थिंक माई मदर क्या इज गोइंग टू बाट दिस टीवी सीडी, ठीक है, मीन्स खरीदने जा रही है, जहाँ जा रही है वो क्वेश्चन सो इज गोइंग टू बी यूज करेंगे। आप फिल करके मुझे दिखाएंगे एक मिनट बाबू, यस ये सब फिल करके आप दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं एक्सरसाइज बता दूं पिछला वाला। देखो बच्चों, C1 जॉन क्लेयर्स जॉन, इस सबका मैं कोटेशन यहाँ पर नोट किया हूँ। सॉल्व करके आप इसको यहाँ से देख करके अपनी बुक में कॉपी में फिल कर लेंगे बेटा। देखिए कोटेशन वाइज है, क्लेयर क्या कहती है, जॉन क्या कहते हैं, ऐसे आप इसको देख लेंगे हैं। और क्लेयर और कुछ नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, मैच कर लेंगे आप वाटर प्लांट्स टुमारो हैं, और करेक्टली आप नोट करेंगे, सब नोट कर लेंगे अपनी बुक में कॉपी में। और हाँ, उसके पहले आपको समझ लेना है, अच्छे से समझ कर ही नोट करना, ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करना। और हाँ, आज की हमारी क्लास वीडियो एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आंसर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।